कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को पहल करते हुए शहर के 22 प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केंद्रों और 5 मोबाइल वैन पर मुफ्त कोरोना जांच शिविर लगाया गया है, जिसका ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल द्वारा कोरोना मुफ्त जांच शिविरों का निरीक्षण किया गया और मौजूद आशा NMM और स्वास्थ्य विभाग की टीमों को निर्देशित किया गया कि केंद्रों पर अधिक संख्या में लोगों की जाँच करें और लोगों को कोरोना संक्रमण जाँच कराने के लिए प्रेरित करें, जिससे गोरखपुर जनपद को कोरोना संक्रमण से मुक्त किया जा सके। इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए जांच अति आवश्यक है, जिससे कोरोना पे काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि हमारा लक्ष्य है सदर तहसील में प्रतिदिन 4,000 से 5,000 लोगों की कोरोना की जांच कराई जा रही है, जिसके लिए राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मिलकर आम जनमानस को कोरोना के प्रति प्रेरित कर उनकी जांच कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, छाए हो जाओ, छाए हो जाओ, उस साइड में छाए हो जाओ, उस साइड में छाए कर लेंगे, भाग जाओ, भाग जाओ, हमने कोई फायदा नहीं है, नहीं होगा तो हो जाएगा, नहीं अब कल कल सुबह 10 बजे मर्दी किसी बैठा करके आ जाए सवेरे ऐसे मोड़ यार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि अधिक से अधिक टेस्टिंग करनी है, तो इसी संदर्भ में प्रशासन ने शहर के विभिन्न एरियाओं में 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से आज टेस्ट कराए हैं और प्रत्येक दिन हमारा टारगेट है कि 4,000 से 5,000 टेस्ट हम कराएँ। तो इसी संदर्भ में हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में टेस्ट कराकर इस कोरोना के संक्रमण की चेन को दूर करें। तहसीलदार न्यायिक सुनीता के निर्देशन में ये कार्य चल रहा है और पूरे 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के सभी MOIC के साथ लगातार वो संपर्क में रहती हैं और उसके साथ साथ विभिन्न एसोसिएशन, विभिन्न व्यापार मंडल और विभिन्न सरकारी कार्यालयों और जहाँ पे हमें बल्क में मिल सकते हैं लोग पॉजिटिव संक्रमण की संभावना, उनको चिन्हित करते हुए सभी का टेस्ट हम कराया जा रहा है। इसी संदर्भ में वो टेस्टिंग कैसे चल रही है, कितना कर रहे हैं, आशा ANM से बात करने हम देखने खुद जाते हैं फील्ड में, तहसीलदार न्यायिक सभी फील्ड में जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी संदर्भ में आज विभिन्न टेस्टिंग सेंटरों का निरीक्षण किया गया। आम जनमानस का कितना सहयोग मिलता है? अब देखिए लोगों में अब आ रहा है धीरे धीरे, जैसे हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं विभिन्न जगहों पर, विभिन्न मलिन बस्तियों में जाकर, विभिन्न आबादी में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि टेस्टिंग ही इसका इलाज है। जितना जल्दी टेस्ट आप करवा लेंगे उतना जल्दी आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं और डरने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अस्पताल में जाना पड़े, आप घर पर भी रह सकते हैं और आपको दवाइयां भी सरकार की ओर से मुफ्त में दी जा रही हैं। जो जांच प्राइवेट में 4,500-5,000 में हो रही है वो आपको मुफ्त में हो रही है और तो सभी लोग अब धीरे धीरे करके टर्न अप हो रहे हैं। हम तहसील सदर गोरखपुर फेसबुक पेज पर हम 22 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 5 मोबाइल यूनिट का टेस्टिंग साइट हम बता रहे हैं, तो लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि कहाँ लगेगा। अब धीरे धीरे ये हमारी जो मुहिम है वो जन आंदोलन का रूप ले चुकी है और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे सभी गोरखपुरवासी टेस्ट अपना जरूर कराएं ताकि हम अपने को, अपने परिवार को, अपने गोरखपुर को सुरक्षित रख पाएँ।